भाजपा का प्रचार शुरू, विधानसभा में जाकर वोटों की अपील। भाजपा नेताओं के दौरे भी हुए तेज। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप पर भाजपा लगाएगा हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 अभिवक्ता। अजमेर लोकसभा उपचुनाव की जंग से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों का जोश दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से वोट की अपील में लगी है। चुनावी जंग को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के नेताओं का भी दौरा तेज हो रहा है। हर कदम पर भाजपा अपने आप को मजबूत कड़ी में बांध रही है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप पर भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 अभिवक्ताओं को नियुक्त करेगी। जो चुनाव संपादित होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है उसके लिए, उसकी देखरेख के लिए हम जो है पूरे हर विधानसभा क्षेत्र पे 5-5 अधिवक्ताओं की नियुक्ति आज करेंगे यहाँ पे अभी जोशी जी के साथ बैठकर। इसके अलावा कांग्रेस जो निराधार आरोप लगा रही है, निराधार शिकायतें कर रही है, आधारहीन शिकायतें, उनके जवाब की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका अगर आवश्यक हुई तो जवाब देंगे। और ये हम देखेंगे कि वोट के आधारहीन शिकायतें और उनके द्वारा जो आचार संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है उसकी ये शिकायतों, उचित शिकायतों के लिए हम आज नियुक्ति करेंगे। सर कांग्रेस आया तो मैंने देखा जगह जगह दीवारों पे उन्होंने अपना प्रचार कर रखा था, ये आचार संहिता के उल्लंघन में आता है क्योंकि ये विज्ञापन की श्रेणी में आता है, इसकी भी हम शिकायत करेंगे आज चुनाव आयोग से। अभी सर कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, बीजेपी वालों ने भी कुछ देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया वो मैंने यहाँ आके देखे कि सरकार के किसी सरकारी तंत्र का यहाँ दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री हो तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में ही यहाँ पे काम कर रहा है, किसी सरकारी साधन का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, उनको अपनी हार दिख रही है, इसलिए वो हार से बचने के लिए पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि बाद में क्या आरोप लगाएंगे हारने के। सर आपका परिचय? नाहर सिंह महेश्वरी, प्रदेश प्रमुख, चुनाव संपर्क विभाग, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले सर राजस्थान में 2 लोकसभा, 1 विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसमें सभी अजमेर में खड़े हैं। अजमेर का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हर दिन हमारे जो बुधवार हैं बीच में हर पंचायत अधिकारी को टच कर लिया, हर रोज नई विधानसभा क्षेत्र में और अपना चुनाव प्रचार जो लोगों में भारी जोश है, सब जगह उन लोगों का स्वागत भी होगा और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जनता का स्वागत होगा और आने वाले समय में निश्चित रूप से जीत भाजपा की है और लाखों लोग। चुनाव में जो पार्टियां थोड़ी कमज़ोर होती हैं वो छोटे मोटे झूठे आरोप लगाने की भी कोशिश करती है। उस सिलसिले में मैंने जब मीडिया में देखा कि भाजपा के मंत्रियों ने सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया, मेरी समझ से ज़्यादा झूठी बात है। किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्री और राज्य सरकार की कोई गाड़ी बोली तो नहीं सकता, अपने झूठे भावना से चलते और ये आचार संहिता जब से लग जाती है उसके बाद में चाहे ऑफिशियल टूर पर उस इलाके में जाते हैं तो भी यूज नहीं कर सकते। इस कारण से ये इनकी सोच गलत होती, क्या आरोप लगाना नहीं चाहिए कि राजनीतिक पार्टी नेताओं को अपना स्तर भी देखना चाहिए, इस प्रकार के आरोप